हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में आज हम ग्रिड लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, किस तरह से उसको अच्छी तरह से यूज़ करके हम अपनी पोर्ट्रेट को या स्केचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम ग्रिड लाइंस बनाना सीखेंगे। ग्रिड लाइंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। अगर आपको ग्रिड लाइंस का अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट पता है कि हमें कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, किस तरह से ड्रॉ करनी चाहिए ग्रिड लाइंस, तो आप एक अच्छा पोर्ट्रेट ड्रॉ कर पाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। ग्रिड लाइंस एक आपकी पोर्ट्रेट को, ड्राइंग को एक एक्यूरेसी देता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप ड्रॉ करें आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। और जब स्टार्टिंग में जब आपके पास सीखने के लिए कुछ नहीं होता, तो ग्रिड मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, आपको ये ज़रूर सीखना चाहिए। देखिए, अभी हम ग्रिड लाइंस बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने इस पेपर पर A5 साइज़ की लेंथ और विड्थ ड्रॉ करी है। अब मैं इस पर ग्रिड लाइंस बनाएंगे। मैं यहाँ पे HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और ये मैंने हैंडमेड स्केल बनाई है, जहाँ पे मैंने 2-2 सेंटीमीटर्स के ब्लॉक्स बना रखे हैं। मैं ज़्यादातर 2-2 सेंटीमीटर्स के गैप में ही ग्रिड लाइंस बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा सही उसके अंदर लगता है। आप चाहे तो 1-1 सेंटीमीटर्स की भी बना सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर्स की बना सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ग्रिड बड़ा होगा उतना आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एक्यूरेसी पे। तो 2 सेंटीमीटर में कहूँगा कि इनफ है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा मेथड है कि मैंने ये पेपर का साइज़ देख सकते हैं, इस पेपर के साइज़ में मैं अब 2-2 सेंटीमीटर्स के डॉट लगाना स्टार्ट करूँगा। देखिए, मैंने स्केल ली और अब ये 2-2 सेंटीमीटर्स के मैं डॉट लगा रहा हूँ। ध्यान रखें कि ये डॉट्स बिल्कुल सही लगे, गलती जितनी कम हो उतना अच्छा है। इन 2-2 सेंटीमीटर्स को डॉट लगाने के बाद आपको स्केल से इन डॉट्स को कनेक्ट करना है, और सही तरह से कनेक्ट होगा तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आएगी। सब डॉट्स को आराम से टाइम लेकर कनेक्ट कर लीजिए। जितना अच्छे आपके ग्रिड्स बनेंगे उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप फोटो के अंदर जो उसके आईज़ है, नोज़ है, लिप्स है, ये सब आप मेजर कर सकेंगे कि कौन से बॉक्स में कौन सा पार्ट है, कहाँ से मुझे ड्रॉ करना है, कहाँ पे मुझे एंड करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इन बॉक्स को नंबरिंग दे दी है। नंबरिंग से थोड़ा आसान हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि कौन से बॉक्स में कहाँ से स्टार्ट करना। तो ग्रिड मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है मैं कहूँगा, लेकिन इस ग्रिड मेथड के भरोसे आप ज़िंदगी ना निकाल दीजिए, कहूँगा कि इस पे डिपेंडेंट ना हो। ये भी एक अच्छा मेथड है, बहुत टाइम प्रैक्टिस करिए आप इसे, 5 महीने 10 महीने 1 साल, लेकिन उसके बाद आपको ये मेथड छोड़ना पड़ेगा और दूसरे मेथड पे आप जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ग्रिड मेथड से मैंने जुड़ी बहुत सारी अफवाहें सुनी कि लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत गलत मेथड है, कुछ लोग इसे चीटिंग के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये चीटिंग नहीं है। बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी ग्रिड मेथड को यूज़ करता है, इससे उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है स्केचिंग की। अगर आपकी ड्राइंग में एक्यूरेसी नहीं होगी तो किसी को अच्छा क्यों लगेगा, आप खुद बताइए। तो ग्रिड मेथड को अच्छी तरह से यूज़ करिए, कभी डरिए मत कि कोई लोग बोलते हैं कि गलत मेथड है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत बात है, लेकिन आप आर्टिस्ट हैं, आपको यूज़ करना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जाते जाते मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा यूट्यूब पर। मैंने अभी यूट्यूब पर अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, तो आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।